नमस्कार, स्वागत है आपका वीक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा जब गूंजे जय श्री राम का नारा। राम एक ऐसा ही नाम है जिसे सुनकर सुकून मिलता है, राम भक्ति में हर कोई लीन होता है। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको सुकून जरूर पहुंचाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के लिए 21 किलो चांदी से खास झूला तैयार कराया है। इस झूले में बैठकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने भक्तों को दर्शन देंगे। रामलला 13 अगस्त को इस झूले में विराजेंगे। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि रामलला को कजरी गीत भी सुनाए जाएंगे। इस पूरे मामले पर मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। देखिए, धीरे धीरे बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। भगवान पहले रिवारे ढांचा में रहे, उसके बाद ढांचा गिरने के बाद त्रिपाल में आए। त्रिपाल में बहुत ही कठिनाइयाँ थी, 28 वर्ष तक वहाँ त्रिपाल में रहे भगवान श्री राम। और अब मंदिर बनने लगा है, जिस जगह मंदिर बन रहा है वहीं पर विवादित ढांचा और वहीं पर रामलला का अस्थाई मंदिर जो त्रिपाल था उसमें विराजमान थे। अब अस्थाई मंदिर बन गया है और उसी मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। उसी सुविधाओं के बीच भी जो इस वर्ष का झूलन उत्सव हम नागपंचमी के दिन शुरू करेंगे और यह इसको चौथ के दिन माने 12 तारीख को ही झूला आ जाएगा। अभी झूला वहां आया नहीं है और जानी का झूला बन गया है और 12 को रात में झूला को लगा दिया जाएगा और 13 जो नागपंचमी है उसी दिन से यह भगवान श्री राम अपने चांदी के पालने पर झूलेंगे। तो सुना आपने कि उन्होंने कहा ये एक बहुत ही बड़ा पल होगा, एक ऐतिहासिक पल होगा राम भक्तों के लिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।